शिवपुर जिले के रन्नौत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सूखा राजपुरा गांव में रहने वाली महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपने खेत पर कचरा डालने गई थी, जहां छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। तभी गांव का ही युवक छोटू परिहार पुत्र रघुराज परिहार ने उसको पीछे से उसको पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी एवं विरोध करने पर महिला के साथ जमकर चप्पलों से मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत महिला ने थाने पर दर्ज कराई, पर सुनवाई न होने के चलते आज एसपी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। शिवपुरी से सुब खान की रिपोर्ट। कविता जाटव। कहाँ से आई हो? राजापुर से, सुखा राजापुर। क्या समस्या ले आई हो आप? खेत पे गए थे माँ बेटी। आप खेत पे गई थी? हाँ, खेत पे गई थी। तो क्या कुछ मामला, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये भाई, लड़का आया हमारे खेत में और मेरे पीछे मुड़ के हाथ पकड़ लिया। अच्छा। और मुझे धमक लाई लड़के का, छोटू। क्यों हाथ पकड़ा आपको, क्या वजह थी? कोई मेरी जान परिचित नहीं है थी, वो तो आन के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पटक लाई। मैंने बोला मेरा हाथ क्यों पकड़ा, कहीं मुझे तुझसे मिलना है। मैंने कहा ऐसा कैसे मिल सकता है मेरे से, कहीं नहीं मिल रही तो मुझे गाली बगी और गाली वक्त मतलब मुझे खेत में पटक लाई। गलत काम किया गया? हाँ, मेरे साथ में गलत काम किया है। कंप्लेंट वगैरह नहीं डाली उसकी आपने थाने? कंप्लेंट डाली थी मैंने, दरोगा ने मतलब मैंने रिपोर्ट नहीं झीली, मतलब मेरे खिलाफ उनके पैसा लेके रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी और मारपीट करिए, मेरी जूतन से भारी। आप झूठ जानो तो वीडियो देख सकते हो। मैं जो ही चाहती हूँ उसको जेल कचहरी थाना करा के रहूंगी। अभी कहाँ? अभी उसकी रिपोर्ट करी थी, पता नहीं है मेरे को कहाँ है कहाँ नहीं है। दरोगा ने खिलाफ कर दिया, उसे पैसा लेके अंत भेज दिया, उसे कोई जेल नहीं पहुँचाया। कहाँ का रहने वाला है छोटू? वहीं का राजापुर, सूखा राजापुर का। कितनी उम्र है जाके? जो कोई 20 साल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25। शादीशुदा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।